आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के गांव मलकपुर सैमली पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 3000 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती फरजाना संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। 4 वर्षों में कितना विकास यहां हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक डिलारी के मलकपुर सैमली गांव में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है। आगे की पूरी जानकारी हम यहां प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राम प्रधान के पास। आपका टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम फरजाना जी, आप यहाँ ग्राम प्रधान हैं, 4 साल आपके कार्यकाल को जो है पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक गांव में करवा दिए हैं? गांव वालों ने सबसे पहले तो प्रधान बनाया जी, बहुत प्यार से जी जी। उसके बाद प्रधान का पद दिया जी, बहुत प्यार से। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने एक गांव में शमशान बनाया। शमशान घाट आपने बनवाया अपने जी जी, और 2.5 बीघे में बनवाया, लंबाई चौड़ाई जी जी। इसके में 24 लाख। इसके अलावा रास्ते, यहाँ सीसी टाइल्स कार्य करवाया आपने गांव में जी, आवास मिले हैं लोगों को। इसके बाद में रास्ते बनवाए, 40-45 रास्ते बनवाए जी। उसके बाद देखो, मैंने गांव के अंदर नालियाँ बनवाई, नाले बनवाए जी, और बहुत बड़ी सफाई गांव में कराई जी, और बहुत प्यार से जी जी, और गांव वालों की सबकी मैं प्यारी लाड ली जी। गांव वालों का काफ़ी प्रेम और सपोर्ट आपको यहां मिलता है? मिलता है जी जी। तो शौचालय से आपका गांव जो है ODF हो गया जी? हो गया वो जी। सरकार की जैसी योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो ये मुफ्त में सरकार ने दिए हैं गरीबों को, आपके गांव में मिले हैं सभी को? सभी को मिले हैं, सभी को मिले हैं, सभी को मिले हैं। स्कूल में क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल में तो देखो, बाउंड्री कराई है जी, जैसे शौचालय खराब पड़े हैं वो सही कराए हैं, और टैल से लगवाई हैं, और जो आंगनबाड़ी बनवाई है जी जी जी। मतलब स्कूल में काफी आपने जो है सौंदर्यकरण करवाया है, काफी मरम्मत करवाई है। आप स्कूल के लिए समय देती हैं, मतलब जाकर देखती हैं बीच बीच में कि वहाँ कोई समस्या या कोई जरूरत तो नहीं है? काफी मैं बहुत बार जाकर देखती हूँ जी जी जी। इसके लिए सरकार से क्या प्रमुख मांग आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए रखना चाहेंगे? आवास के लिए। कितने परिवार ऐसे होंगे यहाँ जिन्हें आवासों की जरूरत है? कम से कम 50 परिवार यहाँ है। क्या गांव में कच्चे रास्ते अभी भी हैं? अभी भी हैं रास्ते तो जी जी। तो बारात घर, पंचायत भवन, क्या ये बना हुआ है गांव में? ये बना हुआ नहीं है जी। इसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार से यहाँ आपको धनराशि मिले या सरकार मदद करे तो बारात घर, पंचायत घर यहाँ बनवाएं आप? जी, ग्राम समाज की जगह है गांव में यहाँ मौजूद? जी है जगह जी, जगह है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर पास में ही है जी, पास में ही जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। इनके द्वारा 4 सालों में काफी विकास यहाँ पर करवाया गया है। सड़कें, नालियां, नाले निर्माण, ये सभी उन्होंने यहाँ कराया है। स्कूल में भी काफी काम कराया है, सौंदर्यकरण करवाया है, शौचालय से भी गांव ODF हो गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ मूलभूत समस्याएं बाकी है जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर के लिए प्रधान यहाँ मांग रखती है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जिनके आवासों के लिए यहाँ पर प्रधान ने मांग रखी है। यहाँ कुछ रास्ते अभी भी कच्चे हैं जिससे CC की मांग यहाँ प्रधान रखते हैं। अशरफ अली के साथ मनाजरी, टुडे 24 से जी। क्या नाम है आपका? आप यहाँ विद्यालय में किस पद पर हैं? अच्छा, यहाँ बताइए कि यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? जी, पानी की व्यवस्था सही हो गई सर, और ये जो विद्यालय का ग्राउंड है ये भी पहले खराब था, ये भी सही करा गया है। और इसके अलावा कुछ? टॉयलेट वगैरह, टॉयलेट और पानी की व्यवस्था सही हो गई। पानी वानी की, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त है जी।